आपके साथ मैं हूँ शिल्पा रावत। आज अखिलेश यादव अपने पिता के गढ़ पर फतेह बरकरार रखने के लिए मैनपुरी के दंगल में उतर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, जहां पर वो आज पर्चा दाखिल करेंगी। नामांकन करने से पहले डिंपल यादव समाजवादी परिवार के साथ नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंची, उसकी ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा, समाधि स्थल पर नेताजी के पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित उनकी तरफ से किए गए। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद डिंपल यादव मैनपुरी पहुंच जाएंगी, कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगी डिंपल यादव। डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा रामगोपाल धर्मेंद्र यादव भी मैनपुरी में मौजूद रहने वाले हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया जो है अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, जब मैनपुरी में डिंपल यादव मौजूद। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रहेंगे, और ये बता दें आपको, डिंपल यादव को पूरे परिवार की सहमति के साथ उतारा गया है, ये सपा पार्टी की तरफ से कहा गया है, और ऐसे में डिंपल यादव अब मैनपुरी से ताल ठोकती हुई नजर आएंगी, यानी कि सपा की जो कैंडिडेट हैं वो डिंपल यादव हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। डिंपल यादव आज मैनपुरी नामांकन करने पहुंचने वाली हैं। दोपहर के 1 बजे वह नामांकन करने मैनपुरी पहुंचेंगी। उनके साथ अखिलेश यादव के अलावा तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं की उपस्थिति दिख सकती है। देखेंगे, एक बार व्यवस्थाएं दिखाएंगे क्या कलेक्ट्रेट पर व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि यहां पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, तमाम सैफई परिवार के लोग हैं, वो सारे लोग आने वाले हैं। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को बैरिकेडिंग से बंद किया गया है, भारी पुलिस बल मौके पर जो है तैनात किया गया है, लगातार जो है अधिकारियों का आना लगा हुआ है, और बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद यहां पर नजर आ रही हैं। किसी भी बाहरी लोगों को अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। प्रत्याशी जो आएंगे उनके साथ केवल प्रस्तावकों को ही अंदर भेजने की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है। अतुल सक्सेना, जी मीडिया, मैनपुरी। तो फिलहाल तमाम तैयारियां जो हैं वो यहां पर सपा पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, और अब बहू की सियासत यहां पर होगी, यानी कि डिंपल यादव जो है मैनपुरी से मैदान में रहेंगी, और डिंपल यादव के उतरने के बाद ये मुकाबला और कड़ा हो जा रहा है, और सपा पार्टी सुनिश्चित है इस चीज को लेकर कि डिंपल यादव जो है ये सीट निकालेंगे। और अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव पर बार बार ये एलिगेशन लगते रहे हैं, बार बार अखिलेश यादव पर सवाल खड़े होते रहे कि अखिलेश यादव चुनाव के दौरान नजर नहीं आते जिस तरीके से उन्हें नजर आना चाहिए, जिस तरीके से उन्हें प्रचार करना चाहिए। ऐसे में अब जब मैनपुरी सीट की बात है तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से एक्टिव जो है मोड में नजर आ रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।